जय माता की सभी संगत को। आज की वीडियो है तंत्र काट के ऊपर। बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं कि हमारे ऊपर तंत्र और मसाणी क्रिया की गई है, तो माता जी इसका इलाज बताओ। देखो, इसका वैसे तो कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, परमानेंट इलाज भक्ति होती है, मंत्र जाप होता है, स्वयं के अपने देवी देवताओं को भक्ति करके, भजन करके, भोग प्रसाद लगा करके इतना प्रबल करना पड़ता है कि अगर कोई आपका दुश्मन है, बार बार आपके ऊपर क्रिया करता है, आपके घर के भूत प्रेत जो है उनको बार बार गलत चीजों पे चला करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो इन चीजों से आप कैसे बच सकते हो? इसका यही इलाज है कि कोई गुरु बनाओ, उनसे विद्या लो और अपने मंत्र को जागृत करो। चाहे आपको एक साल लगे, चाहे दो साल लगे, चाहे तीन साल लगे, देखो वो आपकी भावना के ऊपर होता है। पर लोग क्या करते हैं कि गुरु धारण अगर कर लिया ना, तो उनको लगता है कि बस गुरु धारण करते ही हमारे रोग कट गए, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तो भैया, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भूत प्रेत भी आप ही के घर के हैं, क्रिया भी आप ही के ऊपर होती है। और अगर कोई चीज आपकी उठाई गई है, यानी कि क्रिया करने के लिए कोई वस्तु इस्तेमाल की गई है, वो भी आप ही की है, गुरु की नहीं है। वो गुरु आपको केवल रास्ता दिखाता है। तो क्या करना है आपको? सबसे सरल और उत्तम उपाय कई बार हम बता चुके हैं, जिनके ऊपर मसाणी लगी हुई है, सबसे पहले तो देखो वो शीतला माता की ही सेवा करें। दो तीन वीडियो में हम बता चुके हैं, चैनल पर सर्च करोगे तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो शीतला माता की सेविकाएं जो होती हैं, मसाणी होती हैं, यानी कि उन्हीं के तामसिक रूप होती है मसाणी, उनके साथ इनको पूजने का जो है वरदान चौराहे पे माता शीतला ने ही दिया था। ये अजन्मी हैं, अजन्मी होने के कारण इनका कोई रूप स्वरूप नहीं होता, इनका नहीं पता ये किस रूप में आकर के आपको परेशान कर सकती हैं। बहुत लोगों के, बहुत औरतों के और पुरुषों के कमेंट रहते हैं, सवाल रहते हैं कि हमें ये नग्न अवस्था में दिखाई देती है, निर्वस्त्र, तो इसका क्या इलाज है? इसका यही इलाज है कि आप या तो घर के ही प्रेत प्रेतनियों से पीड़ित हो, या फिर आपके ऊपर क्रिया हुई है। तो क्रिया के क्या लक्षण है, उसमें क्या होता है, आप टोटली बर्बादी के रास्ते पे चले जाते हो। पर अगर घर के हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है जीविका आजीविका चलती रहती है साथ के साथ, यानी कि आपको ना उस चीज का फायदा मिल पाता है, जो भी आप कार्य करते हो, आपका काम धंधा है, बिजनेस है, ना प्रॉपर रूप से आप उसमें उभर पाते हो और ना ही आपको उसमें घाटा बनता है, यानी कि ना फायदा ना नुकसान, ये वाली स्थिति आप लोगों की जो बनी रहती है। तो इस तंत्र की काट करने का सिंपल तरीका क्या है, वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो देखो पूरी सुना करो, ये आपके फायदे के लिए होती है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को भटकाएं या फिर बड़ी बड़ी बातें बोल करके उनकी बुद्धि खराब कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो सिंपल तरीका होता है, कोई भी गुरु आप बनाओ, हम नहीं कहते आप हमें गुरु बनाओ, कोई भी गुरु आप धारण करो, गुरु एक तत्व होता है, गुरु तत्व से जुड़िए। इंसान गलत हो सकता है, गुरु तत्व कभी गलत नहीं हो सकता। गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है, जैसे राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपकी भावना शुद्ध है ना, आपके देवी देवता, आपकी शक्तियां, अगर आपके ऊपर 100% मारण भी छोड़ा गया है आपको बर्बाद करने के लिए, तो भी आपको बचाएंगी। यानी कि अगर देखो, बहुत सारे लोग क्या समस्या लेकर के आते हैं, मेरे ऊपर दुरानी करवा रही है, मेरे ऊपर जिठानी करवा रही है, हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे तो जी कपड़े उठ गए, हमारे तो जी गहने उठ गए हैं, हमारे घर से ये चीजें चोरी हो जाती हैं, हमारे कपड़ों में आग तक लग जाती है, यानी कि कपड़े कई बार कटे हुए मिलते हैं अलमारी में। तो देखो ऐसा हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है। कई बार लोग मानसिक रूप से इतने ग्रस्त होते हैं कि वो इसको क्या बोले कि डबल उनकी जो जीतता है ना इंसान, यानी कि जब उनके ऊपर वो चीज हावी हो जाती है ना, तो वो खुद से ही ये काम कर देते हैं और उनको उस टाइम पता नहीं होता। जैसे कि कई लोगों के ऊपर ना भयंकर प्रचंड हाजिरी होती है और उस टाइम वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस चीज का उनको अंदाजा नहीं होता। तो इस चीज को समझ करके चले। उपाय क्या करने हैं आप लोगों को, उपायों के लिए हमेशा बताते हैं आपको, पीली सरसों ले लेनी है। पीली सरसों लेकर के अपने घर के मंदिर में रखें, मंदिर में रख के अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप केवल हनुमान चालीसा करें, क्योंकि किसी भी चीज का बंधन करने में हनुमान मंत्र सबसे कारगर है। आप देखो जो हमसे जुड़े हैं उनको तो हमने दिया ही है मंत्र, वो तो जानते हैं बंधन मंत्र को। अगर आपके पास नहीं है,
आप हनुमान चालीसा करे 41 दिन पीली सरसों को घर में रख करके, वो सरसों अभिमंत्रित हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उस सरसों को उठाना है, घर में छिड़क देना है। घर में छिड़क के सुबह पहली झाड़ू के साथ आपको इकट्ठा कर लेना, उसको बाहर नहीं निकालना, इकट्ठा कर करके रखिए रोजाना। 41 दिन का ये प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद वो सरसों एक दिन आप या तो पंडित से हवन करवाओ, या खुद से अगर आपको हवन करना आता है तो हवन करके उस सरसों को उसमें जला दें, तो आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है, घर के भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। देखो कटेगी नहीं ये चीज, आप लोग सोचते हो कि पीली सरसों से क्या छोटा सा उपाय, नहीं कटेगी नहीं, पर जो आपको दिक्कत दे रही है, परेशानी दे रही है, शरीर में आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि मेरे शरीर को बीमारी आ रही दे रही है, मैं टेस्ट करवाता हूँ, रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, कभी मेरे सीने में दर्द हो जाता है, कभी मेरे सिर में इतना भयंकर दर्द हो जाता है कि सिर बहुत भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं, उबासी मुझे कई बार इतनी आने लग जाती है कि मेरा गला ही फूट जाता है, इन चीजों से आप बचने लगोगे, क्या होगा कि शांत हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय हमेशा आपकी जिंदगी को बदल के रख देते हैं, तो इन उपायों को करते रहें। अगर आप इन उपायों को करते रहते हैं तो देखो आपके जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव आता है। और अगर आप परमानेंटली इसको सीखना चाहते हो तो किसी गुरु के सनिध में रहें, किसी गुरु के पास जा करके प्रॉपर रूप से आपको ये चीज सीखनी होती है, तो इस चीज को सीखिए और खुद से इलाज करिए, ना कि किसी के पास भटकिए। देखो दरबारों में बार बार जा करके क्या होता है, आपकी शक्ति जो है छिड़ जाती है। वो जो आपने गुरु धारण किया उन्हीं के दरबार में जाएं। अलग अलग भक्तों को आप परखते हो ना, इस भगत के पास नहीं, उस भगत के पास नहीं, कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करवा लेते हो, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई शक्ति विराजमान होती है। कहीं सात्विक शक्ति चल रही होती है, कहीं तामसिक शक्ति चल रही होती है, अलग 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 बहुत प्रकार की शक्तियां। तो इन चीजों से सावधान रहो, कुछ भी नहीं से कुछ करना हमेशा बेहतर रहता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके, जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके पास मंत्र नहीं है, जिनके पास तंत्र नहीं है, तंत्र की काट के लिए। देखो जब दरबार में भी आप आते हो ना, तो हमेशा पीली सरसों, राई और इसके साथ कुछ अन्य सामान आप लोगों से मंगवाया जाता है और आपको भी मंत्रित करके दिया जाता है। जिन लोगों ने इलाज करवाया उनको पता है, अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो यही चीज होती है हर किसी के पास। ये महीना, दो महीना, तीन महीना आपकी जो प्रेत बाधा है उनको शांत कर देती है और आपको आराम मिलने लग जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को स्वयं करके देखिए, आप लोगों को जरूर आराम मिलेगा। तो चलिए जी, सभी को जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करें।